एज ए कॉन्टेंट क्रिएटर, क्या आपने भी हाल फिलहाल किसी अच्छे कैमरे में इन्वेस्ट किया है अपनी वीडियो क्वालिटी अपग्रेड करने के लिए? बट जब आप पहली बार उस कैमरा से अपनी फुटेज शूट करते हैं तो इसकी घटिया क्वालिटी देख के आपका भी दिल करता है कि इस कैमरा को उठा के डस्टबिन में फेंक दे, क्योंकि उस कैमरा की वीडियो क्वालिटी और आपके 10-15 हज़ार के मोबाइल की वीडियो क्वालिटी में आपको कोई ज्यादा फर्क नहीं लगा। तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल हो सकती है, क्योंकि इस वीडियो में हम उन सभी गलतियों के बारे में बात करने वाले हैं जो एज ए बिगिनर हम करते हैं और इस कारण हमें वीडियो क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं मिल पाती जिसकी उम्मीद में हमने इतना महंगा कैमरा था। तो कल हमने अपने YouTube चैनल पे एक पोल डाला था कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे जाइए। उसमें दो टॉपिक थे। फर्स्ट ऑप्शन में सोनी ZV-10 के ब्लॉगिंग टेस्ट की वीडियो थी कि हम इसमें ब्लॉगिंग करके आपको दिखाएंगे कि कैसे आपको आउटपुट मिलेगी, क्योंकि मैं सबको यही बोलता हूँ कि कंपनी जरूर इसको क्लेम कर रही है कि अच्छा ब्लॉगिंग कैमरा है, बट इन बॉडी स्टेबिलाईजेशन न होने के कारण मेरे को इतना अच्छा नहीं लगता, पर शायद किसी और के लिए ये अच्छा हो सकता है। तो मैं चाहता था कि एक वीडियो में हम इसका टेस्ट करें हर कंडीशन में, कि हैंड हेल्ड ग्रिप के साथ और इसमें जो स्टेबिलाईजेशन का ऑप्शन दिया जाता है उसके साथ और कैटलिस्ट ब्राउजर के साथ जो सोनी हमें प्रोवाइड करवाता है, हम इन सब में ट्राई करें। और दूसरे ऑप्शन में था कि हम एक ऐसी वीडियो लेके आए जिसमें हम आपको बताएं कि आप सोनी ZV-10 से काफी अच्छी क्वालिटी की वीडियो कैसे शूट कर सकते हैं। जैसे आपने देखा कि यूट्यूब पे बड़े बड़े यूट्यूबर शूट करते हैं, उस लेवल की आप कैसे फुटेज शूट कर सकते हैं। तो जितनी वोट अभी तक आई वो सेकंड ऑप्शन के लिए आई, तो इसलिए हम ये वीडियो आपके लिए लेके आ रहे हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हम ब्लॉगिंग वाले पे भी एक वीडियो लेके आए तो आप उस पोल में जाके उसको वोट कीजिए, या फिर आप कमेंट बॉक्स में भी हमें लिख सकते हैं। हम जरूर ट्राई करेंगे कि जल्द से जल्द आपके लिए वो वीडियो लेके आए। तो इस वीडियो को हमने दो पार्ट में रखा है। पहले पार्ट में हम बात करेंगे कैमरा खरीदने से पहले आपके पास क्या क्या होना चाहिए, और दूसरे पार्ट में हम बात करेंगे कैमरा की उन सभी सेटिंग्स के बारे में जिनको चेंज करके आपकी वीडियो क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी हो जाएगी। तो पहले पार्ट में हम दो चीजों के बारे में बात करेंगे, पहला ऑडियो और दूसरा लाइटिंग। अगर आप अपने मोबाइल से शूट करते हैं और आप अपग्रेड करना चाहते हैं अपनी वीडियो क्वालिटी को, तो ये दो चीजें आपको सबसे पहले अपग्रेड करनी चाहिए कैमरा में इन्वेस्ट करने से पहले। अगर आपने इन्वेस्ट नहीं किया और उसके बाद चाहे आप कितना ही महंगा कैमरा खरीद लो, उसके बाद भी आपको अपनी वीडियो क्वालिटी में इतना ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं मिलेगा, आपकी वीडियो क्वालिटी लगभग वैसी ही रहने वाली है। इनमें जो सबसे पहले बात करेंगे वो करेंगे ऑडियो के बारे में। अगर आप कोई अच्छा माइक यूज नहीं करते, अभी तक अपने कैमरा या अपने मोबाइल के इंटरनल माइक से ही ऑडियो रिकॉर्ड कर रहे थे, तो फिर सबसे पहले जो चीज आपको अपग्रेड करनी चाहिए वो है आपका माइक। आपको एक्सटर्नल माइक में जाना चाहिए। किसी भी कंडीशन में एक्सटर्नल माइक इंटरनल माइक से काफी अच्छी आपको आउटपुट देगा। और एक्सटर्नल माइक का ऐसा नहीं है कि आपको कोई महंगा माइक ही खरीदना चाहिए, आप कोई सस्ता माइक भी खरीद सकते हैं। 200, 250, 300, 400, 1000 जितना आपका बजट है उस हिसाब से आप माइक खरीद सकते हैं। वो हर दर्जे में आपके इंटरनल जो माइक होता है कैमरा का या मोबाइल का, उससे काफी अच्छी आपको आउटपुट देगा। आप अगर सिर्फ अपना माइक ही अपग्रेड कर लोगे तो भी आपको अपनी वीडियो क्वालिटी में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि आप किसी भी एक्सपीरियंस कंटेंट क्रिएटर से अगर पूछोगे कि ऑडियो और वीडियो क्वालिटी में वो किसको चुनेंगे, तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो ऑडियो क्वालिटी को ही चुनेंगे, क्योंकि एक थोड़ी सी घटिया क्वालिटी आप सह सकते हो वीडियो की अगर उसकी ऑडियो क्वालिटी अच्छी है, लेकिन वीडियो चाहे आपकी 4K हो, 8K हो, कितनी ही अच्छी क्वालिटी की हो, लेकिन उसमें आपको अच्छी ऑडियो नहीं मिल रही, क्रैक ऑडियो मिल रही है या बहुत ज्यादा नॉइज है, तो नो डाउट आपको वो अच्छा नहीं लगेगा। तो पहली चीज जो आपको अपग्रेड करनी चाहिए अपने सेटअप में, अगर आप एक्सटर्नल माइक यूज नहीं कर रहे तो एक्सटर्नल माइक जो आपको अपग्रेड करना चाहिए सबसे पहले। और ज्यादातर बिगिनर जो दूसरी सबसे बड़ी गलती करते हैं वो करते हैं कि वो अपनी लाइटिंग में इन्वेस्ट नहीं करते, वो कोई महंगा कैमरा खरीद लेते हैं या कोई महंगा मोबाइल खरीद लेते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि जो 20-25 हज़ार का उसका मोबाइल आउटपुट दे रहा था, वो जो 1 लाख का मोबाइल या 1 लाख का कैमरा जो आउटपुट दे रहा है, उनमें काफी कम ही डिफरेंस है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइटिंग में इन्वेस्ट नहीं किया। और यही उनकी सबसे बड़ी गलती बन जाती है किसी भी महंगे कैमरा में या महंगे मोबाइल में इन्वेस्ट करने से पहले। अगर आप वीडियो क्वालिटी के लिए वो खरीद रहे हैं, आपको जो सबसे पहले इन्वेस्ट करना चाहिए वो करना चाहिए अच्छी लाइटिंग में। और फिर से अच्छी लाइटिंग में इन्वेस्ट करने का मेरा मतलब बिल्कुल नहीं कि आप कोई महंगी लाइटिंग खरीदे, आप 20-25 हज़ार की कोई लाइट खरीदे, आप 1000-2000 में अच्छी लाइटिंग कर सकते हैं आपके सेटअप के लिए। और अगर आप बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहते लाइटिंग में, तो आप ऐसी कोई लोकेशन देखें जैसे किसी विंडो के पास जहां से थोड़ी सॉफ्ट लाइट आ रही है, वो भी आप जगह चूज कर सकते हैं, तो उससे भी आपकी वीडियो क्वालिटी में काफी इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगी। और कोई भी लाइट सोर्स आप चूज करें, कोई महंगी लाइट चूज करें, कोई मीडियोकर लाइट चूज करें, या फिर आप फ्री वाला जैसे मैंने बताया किसी विंडो के पास आप बैठ के करें, तो आपको सिर्फ 3 चीजें उसमें ध्यान रखनी है। पहला क्वालिटी ऑफ लाइट, सेकंड टेम्परेचर ऑफ लाइट, और थर्ड कॉन्ट्रास्ट ऑफ लाइट। और इन तीनों चीजों के बारे में अभी हम बात करने वाले हैं। फर्स्ट क्वालिटी ऑफ लाइट, और क्वालिटी ऑफ लाइट से मेरा मतलब है कि वो कितनी ज्यादा सॉफ्ट लाइट है। तो आप अपने सीन को लाइट अप करने के लिए जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा सॉफ्ट लाइट का यूज करें। और सॉफ्ट लाइट और हार्श लाइट में क्या डिफरेंस है ये जानना ज्यादा मुश्किल नहीं है। हार्श लाइट वो होती है जो काफी ज्यादा शार्प शेडो क्रिएट करती है और आपकी आंखों में भी ज्यादा चुभती है, वो हार्श लाइट होती है। उससे जितना ज्यादा आप इग्नोर कर सको उतना ज्यादा इग्नोर करो। हाँ, अगर आपके सीन का कोई डिमांड है ऐसी कोई लाइट यूज करना, तब आप
यूज कर सकते हैं। और सॉफ्ट लाइट वो होती है जो ज्यादा सॉफ्ट शेडो क्रिएट करती है, मतलब ज्यादा हार्श उसकी शेडो क्रिएट नहीं होती और आप उसके कितने भी पास बैठे वो आपकी आंखों में इतना ज्यादा नहीं छुपती। अगर आप हार्श लाइट की बात करें तो दोपहर के समय जो सूरज की रोशनी होती है वो हार्श लाइट में आती है, या आप अगर कोई टॉर्च यूज कर रहे हो तो वो भी हार्श लाइट में आती है। हमारे घर की जो नॉर्मल लाइट होती है वो भी हार्श लाइट में ही आती है क्योंकि वो काफी ज्यादा शार्प शेडो क्रिएट करती है। और अगर सॉफ्ट लाइट की बात करें तो क्लाउडी डेज में या फिर सुबह के समय या फिर शाम के समय जो लाइट होती है वो सॉफ्ट लाइट होती है, वो इतनी ज्यादा हार्श शेडो क्रिएट नहीं करती। और इसके अलावा अगर लाइट और आपके बीच में कोई चीज है जो उसको थोड़ा सा सॉफ्ट कर देती है लाइट को, कोई कर्टेन है या कोई कपड़ा है या कुछ भी है जो लाइट को थोड़ा सॉफ्ट कर देते हैं, वो सभी सॉफ्ट लाइट में आती है। तो जितना ज्यादा हो सके आप सॉफ्ट लाइट का यूज करें। लाइट टेम्परेचर की बात करें कि वो वार्म लाइट है या वो कूल लाइट है, तो जैसे अगर आप दोपहर का कोई सीन शूट करना चाहते हैं तो आप वार्म लाइट का यूज करोगे, और अगर आप नाइट का सीन शूट करना चाहते हैं तो आप जो कूल लाइट होती है उनका ज्यादा यूज करोगे। लेकिन अगर आपको कोई स्पेशल लुक नहीं देना अपनी वीडियो को तो आप ज्यादातर व्हाइट लाइट का यूज करें, वो आपके लिए काफी इजी बना देगी और काफी अच्छी आपको आउटपुट देगी। वार्म लाइट और कूल लाइट में ज्यादा कंफ्यूज होने की आपको जरूरत नहीं है। वार्म लाइट जो होती है वो थोड़ी येलो और ऑरेंज टोन की तरफ होती है जो आपकी आंखों में थोड़ी छुपती है, और दूसरी जो कूल लाइट होती है वो थोड़ी ब्लू टोन की तरफ होती है जो आपकी आंखों में ज्यादा नहीं छुपती। और इसका एक यूज और होता है कि आपको अपने कैमरा में व्हाइट बैलेंस एडजस्ट करने में काफी आसानी रहेगी अगर आपको अपने लाइट का टेम्परेचर पता है। अगर नहीं पता फिर भी आप अपने कैमरा में कर सकते हैं, उसमें बहुत सारी सेटिंग्स होती हैं आपकी हेल्प करने के लिए व्हाइट बैलेंस, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे वीडियो में। और थर्ड है कॉन्ट्रास्ट ऑफ लाइट। कॉन्ट्रास्ट ऑफ लाइट से मेरा मतलब है कि आपका सब्जेक्ट ज्यादा लाइट अप होना चाहिए आपके बैकग्राउंड से। ऐसा ना हो कि आपके बैकग्राउंड में तो बहुत ज्यादा लाइट है बट आपके सब्जेक्ट पे उतनी ज्यादा लाइट नहीं है, तो आपकी वीडियो में ज्यादा फोकस आपके सब्जेक्ट पे नहीं होगा। अगर ऐसी कोई सिचुएशन है ज्यादातर फोकस आपके बैकग्राउंड पे रहेगा और इतनी अच्छी क्वालिटी भी आपको नहीं मिलेगी। तो ट्राई करें कि आपका जो सब्जेक्ट है उस पे ज्यादा लाइट हो, मेन लाइट ऑफ सोर्स उसके ऊपर ही हो, और बैकग्राउंड पे आप एक्स्ट्रा लाइट यूज कर सकते हैं थोड़ी सी कॉन्ट्रास्ट पैदा करने के लिए। तो मतलब सब्जेक्ट ब्राइट हो और आपका बैकग्राउंड डार्क। बाकी इस वीडियो में लाइटिंग पे हम इतनी ही बात करेंगे, किसी और वीडियो में हम बात करेंगे, सेपरेट एक वीडियो बनाएंगे हम लाइटिंग पे कि आपको कितनी लाइट यूज करनी चाहिए, किस टेम्परेचर की लाइट यूज करनी चाहिए, और नॉर्मल लाइट को सॉफ्ट कैसे करना है, किस एंगल पे यूज करना है, बैकग्राउंड को कैसे लाइट अप करना है, सभी बातें करेंगे बट सेपरेट वीडियो में, क्योंकि ऐसे तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी ये और कुछ लोगों के लिए शायद बोरिंग भी हो जाए, जिनको नॉलेज है लाइटिंग की उनके लिए थोड़ी बोरिंग हो जाएगी। तो हम लाइटिंग को यहीं पे खत्म करते हैं। बट लाइटिंग एंड ऑडियो ये दो ऐसी चीजें हैं, अगर आप शुरुआत में ही इनमें इन्वेस्ट कर लेंगे तो आपकी कैमरा से आपकी जो वीडियो क्वालिटी आएगी वो काफी ज्यादा अच्छी आएगी, और बहुत ज्यादा चांसेस ऐसे भी हैं कि आपको अपने मोबाइल से कैमरा में अपग्रेड नहीं करना पड़े, आप अपने मोबाइल से ही काफी वीडियो क्वालिटी इंप्रूव कर लेंगे। एक बोनस टिप मैं आपको देना चाहता हूं कि जब भी आप वीडियो शूट करें जो सबसे पहले आपको ध्यान देना है वो देना है अपनी फ्रेमिंग पे। आपको फ्रेमिंग कुछ इस तरह से रखनी है कि आपका जो सब्जेक्ट है वो मेन फोकस में हो वीडियो के। ऐसा ना हो कि आप मेन सब्जेक्ट से काफी दूर हो, यानी कि मेन सब्जेक्ट आपकी फ्रेमिंग में बस 20-30% ही हो, बाकी सब जगह एक्स्ट्रा चीजें आ रही हो, या बहुत ज्यादा पास हो उसके, आपको पूरा सब्जेक्ट नहीं दिख रहा। अगर आप कोई ऐसी वीडियो बना रहे तो आप बहुत ज्यादा पास हो इस तरह से, तो आपको शूट करते समय यह बात ध्यान रखनी है कि आप जब भी शूट करें तो इस तरह से शूट करें, फ्रेमिंग को इस तरह से रखें कि व्यूअर्स का सारा ध्यान आपके मेन सब्जेक्ट पे जाए, इधर उधर न जाए, मतलब एक्स्ट्रा चीजों पे ना जाए। तो फ्रेमिंग का ध्यान रखिए, आपकी वीडियो क्वालिटी वैसे ही काफी ज्यादा अच्छी लगने लगेगी। अब बात करते हैं कि इन कैमरा आपको क्या क्या सेटिंग है जो चेंज करनी है जिससे आपकी वीडियो क्वालिटी और ज्यादा इंप्रूव हो, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप ये बोलो कि मैं अच्छी लाइटिंग यूज करता हूं और एक्सटर्नल माइक भी मैं यूज करता हूं, फिर भी जो वीडियो क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं आ पाती। तो आगे वीडियो में हम उन्हीं सेटिंग्स के बारे में बात करने वाले हैं जो आप करके अपनी वीडियो क्वालिटी को और ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। और इस वीडियो में हम जिन कैमरा सेटिंग्स की बात करने वाले हैं उसके लिए हम सोनी ZV-10 का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास यही कैमरा है, हम इसको ही यूज करते हैं, और हमारे ज्यादातर व्यूअर्स के क्वेश्चन भी इससे ही रिलेटेड आते हैं। तो मेरे ख्याल से जो सबसे पहली सेटिंग है जो आपको चेंज करनी चाहिए वो है व्हाइट बैलेंस। व्हाइट बैलेंस आपको जरूर एडजस्ट करना चाहिए। तो ऐसा मेरे साथ भी हुआ, जब पहली बार मैंने इस कैमरा को यूज किया था मैंने व्हाइट बैलेंस को इग्नोर कर दिया, और शटर स्पीड, ISO इन सब मैंने थोड़ा ध्यान दिया, उस हिसाब से वीडियो शूट की, बट मेरे को कलर कुछ अलग ही नजर आ रहे थे। मतलब जो मैंने शूट की वैसी तो बिल्कुल नहीं लग रही थी, बहुत अलग ही कलर नजर आ रहे थे। फिर मेरा ध्यान गया व्हाइट बैलेंस की तरफ, फिर मैंने इसको थोड़ा एडजस्ट किया और वीडियो क्वालिटी थोड़ी इंप्रूव हुई। तो जैसे अगर आप मेरी लास्ट वीडियो देखोगे और ये वीडियो देखोगे, आपको वीडियो क्वालिटी में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट नजर आएगी व्हाइट बैलेंस की वजह से, क्योंकि बाकी सब सेटिंग्स तो मैं कर ही रहा था लेकिन व्हाइट बैलेंस एक ऐसी सेटिंग थी जिसको मैं इग्नोर कर रहा था मेरे को, क्योंकि ऐसा लग रहा था बहुत ज्यादा मुश्किल है तो मैं इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था। जब मैंने इसको करके देखा तो इतनी मुश्किल नहीं लगी, काफी ईजी मेरे को लगी, और उसके बाद जो मैंने वीडियो में इंप्रूवमेंट देखा अपनी में, तो मैं कह सकता हूँ दावे के साथ जो सबसे पहली चीज आपको करनी चाहिए वो है अपना व्हाइट बैलेंस एडजस्ट। और अगर सोनी ZV-10 की बात करें तो क्या
क्या ऑप्शन आपको मिलते हैं व्हाइट बैलेंस में, आप किस तरह से चेंज कर सकते हैं उसके बारे में अगर बात करें। आपको मेन्यू पे जाना है और इसके फर्स्ट ऑप्शन के ही 8th पेज पे सबसे पहला ऑप्शन जो आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा व्हाइट बैलेंस का, और इसके अंदर आपको व्हाइट बैलेंस के बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, ऑटो, डे लाइट, क्लाउड और सनी डे, बहुत सारे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। लेकिन मैं कहूंगा कि आप कस्टम में जाइए, आप अपने हिसाब से अपने सीन के हिसाब से व्हाइट बैलेंस एडजस्ट कीजिए। हाँ, अगर आप ज्यादा सिरदर्दी नहीं लेना चाहते, आप बिल्कुल सिंपल चाहते हैं, तो आप ऑटो पे जा सकते हैं। बट उससे क्या होगा कि जैसे आपकी लाइटिंग कंडीशन थोड़ी भी चेंज होगी या कोई नया कलर आपके फ्रेम में इंट्रोड्यूस होगा तो आपकी पूरी कलर जो होंगे चेंज हो जाएंगे पूरे आपकी स्क्रीन के, तो फुटेज कलर काफी ज्यादा अनइवन हो जाएंगे कि अभी कुछ कलर हैं और जैसे लाइट कंडीशन चेंज हुई या कोई नया कलर इंट्रोड्यूस हुआ वो कलर सभी चेंज हो जाएंगे, तो ये थोड़ी अच्छी नहीं रहेगी आपके लिए, आपके वीडियो क्वालिटी जो आप चाहते हो वो आपको नहीं मिल पाएगी। तो इसमें आप जैसे ही नीचे जाओगे आपको कस्टम के 3 ऑप्शन मिलेंगे, कस्टम 1, कस्टम 2, कस्टम 3, यानी कि आप अलग अलग 3 आप अपने हिसाब से व्हाइट बैलेंस आप एडजस्ट करके रख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप वीडियो स्टूडियो में भी शूट करते हो, आउटडोर कंडीशन में भी शूट करते हो या किसी और जगह भी शूट करते हो, तो एक कस्टम प्रोफाइल में आप स्टूडियो के हिसाब से व्हाइट बैलेंस एडजस्ट करके रख सकते हैं, एक में आप आउटडोर के हिसाब से कर सकते हैं नॉर्मली जैसा आप करते हो, और थर्ड में आप कहीं और का ऐड करके रख सकते हो जहां आपको ठीक लगे उस हिसाब से। तो ये 3 आपको ऑप्शन मिलेंगे, इनमें आपको एडजस्ट कैसे करना है वो आपको मैं बता दूंगा, काफी सिंपल स्टेप है। सबसे पहले आपको अपने कैमरा का फ्रेमिंग सेट करना है, वहां की लाइटिंग वगैरह सेट करनी है कि आप किस तरह से लाइटिंग एडजस्ट करने वाले, उस हिसाब से आपको सब कुछ सेट तैयार करना है, आपको कैमरा कहाँ पे रखना है, बिल्कुल आपको पूरा सीन क्रिएट करना है जिस सीन में आप शूट करने वाले हो। उसके बाद आपको कैमरा के सामने कोई व्हाइट ऑब्जेक्ट रखना है, वो व्हाइट ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, व्हाइट बॉक्स हो सकता है ऐसा कुछ, व्हाइट पेपर हो सकता है या कोई व्हाइट ऑब्जेक्ट जो आप चाहे, बट वो प्योर व्हाइट होना चाहिए और सी थ्रू नहीं होना चाहिए, कि ट्रांसपेरेंसी इतनी ज्यादा नहीं होनी चाहिए कि आप जैसे उसको सामने लेके आओ उसमें व्हाइट तो दिखे हो बट आपकी जो शर्ट का कलर है उससे थोड़ा सा वो मतलब डिस्टर्ब हो जाए व्हाइट कलर। प्योर व्हाइट होना चाहिए वो ऑब्जेक्ट जो भी आप कैमरा के सामने लेके आओ, आपको कुछ इस तरह से कैमरा के सामने लेके आना है। उसके बाद आपको कैमरा सेटिंग में जाना है, जैसे मैंने बताया कि आपको व्हाइट बैलेंस की सेटिंग में जाके कस्टम पे जाना है और वहां जाके आपको सेट के ऑप्शन पे ओके दबाना है। उसके बाद आपको एक स्क्रीन पे येलो कलर का कोई बॉक्स दिखेगा, आप उस बॉक्स को मूव भी कर सकते हैं अपनी कैमरा नेविगेशन की से, अगर आपका ऑब्जेक्ट जो आप व्हाइट ऑब्जेक्ट दिखा रहे हो कैमरा को वो बिल्कुल सेंटर में नहीं है उस बॉक्स के, तो आप उस बॉक्स को उस ऑब्जेक्ट पे ले जा सकते हो नेविगेशन की से, और जैसे ही वो बिल्कुल कवर कर ले उस पूरे बॉक्स को व्हाइट कलर का जो ऑब्जेक्ट आपने लगाया है, उसके बाद आपको ओके दबाना है। उसके बाद आपका कैमरा ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेगा व्हाइट बैलेंस को आपकी लाइटिंग कंडीशन के हिसाब से, फिर से आपको ओके दबाना है और वो सेट हो जाएगा व्हाइट बैलेंस आपके कैमरा में, और फिर आप शूट कर सकते हैं नॉर्मली जो भी आपको शूट करना है। और अगर उसके बाद भी आप सेटिस्फाई नहीं हो अपने व्हाइट बैलेंस से, आपको जो रियल लाइफ में कलर दिख रहे हैं उससे थोड़ा अलग कलर आपको लग रहे हैं, तो पोस्ट में जाके आप अपने हिसाब से थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं उसको, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी अगर आप एडिटिंग किसी सॉफ्टवेयर में वीडियो एडिट करते हो। और अगर आपकी फुटेज में फोकस की प्रॉब्लम आ रही है आपके सोनी ZV-10 के साथ, जो एक प्रॉब्लम हो सकती है मेरे ख्याल से वो हो सकती है आपने उसका प्रोडक्ट शोकेस मोड ऑन किया है, तो अगर आप यूज नहीं कर रहे इस मोड को तो इसको ऑफ रखिए, क्योंकि ऐसा होता है कि जब भी फ्रेम में आपके हाथ आएंगे तो कैमरा आपके हाथ पे फोकस करने का ट्राई करेगा, क्योंकि कैमरा को यही लगेगा कि आप कुछ प्रोडक्ट दिखाना चाह रहे हैं, ऑटोमेटिकली उस पर फोकस जाएगा और उसके बाद आपके फेस पे बाद में जाएगा, जब आपके हाथ बाहर हो जाएंगे फ्रेम से तब आपके फेस पे वो फोकस करेगा, क्योंकि आपके कैमरा को काफी स्ट्रगल करना पड़ता है, बार बार वो आपके हाथ पे फोकस करेगा फिर आपके फेस पे फोकस करेगा, और अगर आपका कोई जरूरत नहीं है तो बिना मतलब आपकी फुटेज क्वालिटी खराब होती है, तो इस मोड को आप ऑफ रखें अगर आपको कोई जरूरत नहीं है तो। और कैमरा में आपको पिक्चर प्रोफाइल चूज करने का ऑप्शन दिया जाता है, सोनी ZV-10 में भी दिया जाता है, और अगर आप अपने फुटेज को पीसी में एडिट करते हो या किसी सॉफ्टवेयर में एडिट करते हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप HLG3 में आप अपनी फुटेज को शूट कीजिए, शूट करते समय शायद आपको थोड़े डल कलर लगे, तो लगे कि ये कैसी क्वालिटी आ रही है, थोड़ी मतलब कलर इतने अच्छे नहीं लग रहे, बट आप जब इसको कलर ग्रेड करोगे तो आपको काफी अच्छी क्वालिटी की फुटेज आपको देखने को मिलेगी सोनी ZV-10 में। SLO का ऑप्शन भी इसमें दिया जाता है बट उसको आप यूज ना करें, क्योंकि ये 8-bit कैमरा है और 8-bit कैमरा में आपको इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं देता SLO। मैंने एक दो दफा ट्राई किया था और कलर ग्रेडिंग के बाद थोड़ी अच्छी आउटपुट दे रहा था SLO 3 में भी, बट HLG जितनी अच्छी क्वालिटी ये नहीं दे रहा था। SLO 3 में क्या हो रहा था कि कहीं कहीं कलर के कुछ पैचेस मेरे को नजर आ रहे थे स्किन पे, तो मेरे को HLG में ज्यादा अच्छी आउटपुट देखने को मिली, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इसमें शूट करें। बट अगर आप इतनी सिरदर्दी नहीं चाहते कि आपको कलर पहले एडजस्ट करने पड़ेंगे फिर कलर ग्रेडिंग करनी पड़ेगी, तो आप किसी और पिक्चर प्रोफाइल को यूज कर सकते हैं, अलग अलग पिक्चर प्रोफाइल में आपको अलग अलग आउटपुट देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो इसको आप ऑफ कर दीजिए, आप नॉर्मल शूट कर सकते हैं अगर आप कलर ग्रेडिंग नहीं करते। बट अगर आप कलर ग्रेडिंग करने की सोच रहे हैं या आप कर सकते हैं तो बिल्कुल ट्राई कीजिए HLG3 में, बहुत अच्छी आपको आउटपुट देखने को मिलेगी। तो HLG3 में शूट करने के बाद जब आप कलर ग्रेडिंग करोगे तो आपको रियल लुक आएगी, जो आप नॉर्मल यूट्यूबर को देखते हैं शूट करते हुए, जो अभी मैं शूट कर रहा हूँ ये भी HLG3 में शूट कर रहा हूँ, तो इसके बाद मैं इस पे कलर करेक्शन करूंगा और कलर ग्रेडिंग करूंगा, उसके बाद आप देख पाओगे कि कैसी आउटपुट मिलेगी। अगर मैं नॉर्मली दिखाऊं तो HLG3 में आपको कुछ ऐसी आउटपुट देखने को मिलेगी और कलर ग्रेडिंग के बाद आपको कुछ ऐसी आउटपुट देखने को मिलेगी। तो आपने देखा कि कितना डिफरेंस आ जाए
या कलर ग्रेडिंग के बाद, तो मैं बिल्कुल रिकमेंड करूंगा कि आप अगर आपकी फुटेज में कलर ग्रेडिंग नहीं करते तो एक बार जरूर इसको ट्राई करें, बहुत अच्छी आपका आउटपुट देखने को मिलेगी। जो आप सोच रहे थे कैमरा खरीदते समय वही आपका आउटपुट देखने को मिलेगी। और एक और गलती जो बिगनर ज्यादातर करते हैं कि जैसे उनके पास कैमरा आता है वो देखते हैं कि इसमें हम 100 FPS तक शूट कर सकते हैं, 120 FPS तक शूट कर सकते हैं या इससे ज्यादा शूट कर सकते हैं, तो वो अपनी हर वीडियो 60 FPS, 100 FPS या 120 FPS पे शूट करने लगते हैं। तो आप ऐसा ना करें, अगर आपकी जरूरत नहीं है, आपको अपनी फुटेज में कोई स्लो मोशन नहीं चाहिए, तो आप 24 FPS पे ही अपनी फुटेज को शूट कीजिए। एक तो आपकी मेमोरी ज्यादा जल्दी खत्म नहीं होगी, आपके कैमरा की बैटरी भी थोड़ी बचेगी, और दूसरा आपकी वीडियो क्वालिटी भी काफी अच्छी आएगी, क्योंकि जितने ज्यादा आप FPS इंक्रीज करोगे आपको शटर स्पीड भी उतनी ज्यादा इंक्रीज करनी पड़ेगी। तो अगर एट द एंड आपको नॉर्मल स्पीड पे ही अपलोड करनी है तो क्या फायदा इतना एक्स्ट्रा लोड अपने कैमरा पे डालने का, तो आप 24 FPS पे ही शूट करें। और नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ भी एक रीजन हो सकता है कि आपने जो वीडियो देख के या जो सोच के आपने कैमरा खरीदा था आपका कैमरा वैसे आपका आउटपुट नहीं दे रहा, क्योंकि अलग अलग फोकल लेंथ में ऑब्जेक्ट अलग अलग तरीके से दिखाई देता है। सेम ऑब्जेक्ट आपको 60mm की फोकल लेंथ पे अलग दिखेगा, 50mm की फोकल लेंथ पे अलग दिखेगा, और 100mm की फोकल लेंथ पे आपको अलग दिखेगा। तो अगर आप खुद की फुटेज शूट करते हैं ज्यादातर या किसी इंसान की फुटेज शूट करते हैं तो आप ट्राई करें कि आप 30-70mm के बीच में रहे, आपको जो फेशियल फीचर होते हैं वो ज्यादा आपको अच्छे लगते हैं इस फोकल लेंथ के बीच में जब आप किसी की फुटेज शूट करते हैं। वैसे तो 50mm कंसीडर किया जाता है बेस्ट के ह्यूमन आई के जो लेवल का होता है, वैसा ही ऑब्जेक्ट आपको 50mm का लेंस आपको दिखाता है। बट अगर आपके पास 50mm का लेंस नहीं है या आपके पास इतना स्पेस नहीं है, क्योंकि जितना ज्यादा आप mm का लेंस यूज करोगे उतनी ही दूर आपको कैमरा को रखना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं 50mm की बात करूं तो मेरे को 6-7 फुट दूर अपने कैमरा को रखना पड़ता है कि मेरा इतना थोड़ा पोर्शन आए फुटेज में। और अगर मैं इससे ज्यादा mm का लेंस यूज करूं, 70mm, 100mm, तो मेरे को इससे भी ज्यादा दूर अपने कैमरा को रखना पड़ेगा। तो हर किसी के पास इतना स्पेस नहीं होता, तो आप ट्राई करें कि 35mm या 30mm के आसपास तो आप रखें कम से कम, उससे थोड़ा नेचुरल आपको फील आएगी। और वैसे तो मेरे ख्याल काफी लंबी वीडियो हो गई, बट ISO, शटर स्पीड और अपर्चर की मैं बात कर लेता हूँ फटाफट। तो ISO को आप एक डिजिटल लाइट की तरह समझ सकते हैं कि सीन में आपके पास कोई लाइट नहीं है और आपको एक्सपोजर थोड़ा बढ़ाना है, मतलब आपको सब्जेक्ट को थोड़ा और ब्राइट दिखाना है, तो आप ISO को थोड़ा बढ़ा सकते हैं, उसका आपका पूरा सीन थोड़ा सा ज्यादा ब्राइट हो जाएगा। आप इसको एक डिजिटल लाइट की तरह समझ सकते हैं। बट इसके साथ एक प्रॉब्लम आती है, जैसे मैंने बताया कि एक डिजिटल लाइट की तरह काम करती है, तो जैसे ही आप ISO को बढ़ाएंगे 2000 से ज्यादा ले जाएंगे तो ये इंट्रोड्यूस करेगा डिजिटल नॉइज को। डिजिटल नॉइज क्या होती है, जैसे आपने अगर रात के समय अपने मोबाइल से अपने कैमरा से फुटेज शूट किया, ज्यादा लाइटिंग नहीं है, तो आपको कुछ नॉइज दिखेगी, ग्रीन, रेड, ब्लू, आपको कुछ ग्रेन्स दिखेंगे आपके इस ब्लैक एरिया में जो आपका शेडो का एरिया होगा, उसको नॉइज कहते हैं। जितना ज्यादा आप ISO को बढ़ाएंगे उतनी ही ज्यादा नॉइज आपकी फुटेज में इंट्रोड्यूस होगी। तो ISO को यूज आप एक लिमिट के अंदर करें और ट्राई करें कि आपके सीन को इनफ ब्राइट करने के बाद ISO को आप मिनिमम रखें, जितना कम से कम आप रख सकते हो। और शटर स्पीड को आप अपने आई ब्लिंक की तरह समझ सकते हो कि जैसे ही आप अपनी आंखें खोलते हो तो आपकी आंखें एक्सपोज होती हैं लाइट की तरफ, वैसे ही शटर स्पीड आपके कैमरा में ये बताती है कि आपके कैमरा का सेंसर कितनी बार एक्सपोज हुआ है लाइट के लिए 1 सेकंड के अंदर। और शटर स्पीड में ISO का अपोजिट होगा, आप इसको जितना ज्यादा बढ़ाएंगे उतनी ज्यादा जो आपकी फुटेज होगी वो उतनी ज्यादा डार्क होगी, और जितना ज्यादा आप इसको कम करेंगे उतनी ज्यादा वो ब्राइट होगी। बट इसके साथ भी कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, अगर आप इसको बहुत ज्यादा कम कर दोगे कि आप अपनी फुटेज को ज्यादा ब्राइट दिखाने चाहते हो, आपके पास ज्यादा लाइट नहीं है, आप थोड़ा एक्सपोजर उसका बढ़ाना चाहते हो और आप उसको बहुत ज्यादा कम कर दोगे, तो आपको जो मोशन होगा काफी ज्यादा ब्लरी देखने को मिलेगा। जैसे अगर कुछ भी ऑब्जेक्ट आपकी फुटेज में मूव करता है तो वो काफी ज्यादा ब्लर आपको दिखाई देगा, तो ये भी आप बिल्कुल ज्यादा कम नहीं कर सकते। इसका एक रूल होता है कि आपने जो अपनी फ्रेम रेट रखे हैं उससे डबल आप अपने शटर स्पीड को रखें। और इसका रीजन बिल्कुल सिंपल, अगर आप चाहते हो कि आपका कैमरा 1 सेकंड में 24 फुटेज क्लिक करे, यानी कि जब आप वीडियो शूट करते हो 24 FPS पे तो वो 1 सेकंड में 24 फुटेज क्लिक करेगा, और आप चाहते हो उसे 1 सेकंड में जो आपको मोशन मिले वो थोड़ा स्मूथ मिले, तो आपको शटर स्पीड कम से कम अपने FPS से डबल रखनी पड़ेगी। तो आपके दिमाग में आ सकता है कि हम शटर स्पीड को फुल कर देंगे, बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे, उससे क्या होगा कि हमारी फुटेज बहुत ज्यादा स्मूथ हो जाएगी, लेकिन ह्यूमन आई को इतनी ज्यादा स्मूथ फुटेज मतलब नेचुरल नहीं लगती, उनको थोड़ी अननेचुरल लगेगी। तो ये एक रूल माना जाता है कि आपको हमेशा ट्राई करें कि आप FPS से डबल रखें शटर स्पीड को। बाकी डिपेंड करता है कि आप किस सिचुएशन में फुटेज शूट कर रहे हैं। अगर आप काफी फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट की आप फुटेज शूट कर रहे हो, यानी कि अगर आप किसी स्पोर्ट इवेंट की फुटेज शूट कर रहे हो या किसी खेलते हुए बच्चों की फुटेज शूट कर रहे हो, वो काफी फास्ट मूव कर रहे हैं, तो आपको शटर स्पीड थोड़ी बढ़ानी पड़ सकती है स्मूथ मोशन के लिए। ये मैंने बता दिया, बाकी आपकी मर्जी, आपको क्या शटर स्पीड रखनी है आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। सबसे लास्ट जो मैं बात करूंगा वो करूंगा अपर्चर की। अपर्चर को आप एक रास्ते की तरह मान सकते हैं कि जिससे गुजर के लाइट आपके कैमरा सेंसर तक पहुंचती है, और अपर्चर यूनिट आपको बताती है कि वो जो रास्ता है वो कितना ज्यादा वाइड है या कितना ज्यादा नैरो है। जितना ज्यादा वाइड एरिया होगा उतना ज्यादा लाइट आपके सेंसर तक पहुंचेगी, जितना ज्यादा नैरो एरिया होगा उतनी ही कम लाइट आपके सेंसर तक पहुंचेगी। और इसके साथ साथ एक और जो यूज आपको मिलेगा वाइड अपर्चर में, आपको
बैकग्राउंड ज्यादा ब्लर मिलेगा और जो नैरो अपर्चर होगा उसमें आपको बैकग्राउंड ब्लर बिल्कुल नहीं देखने को मिलेगा। यानी जितना ज्यादा शार्प आपका सब्जेक्ट होगा उतना ही ज्यादा शार्प उसका बैकग्राउंड होगा। कुछ सिचुएशन में आपको इसकी जरूरत पड़ सकती है कि आपको बैकग्राउंड और सब्जेक्ट दोनों को ही फोकस में रखना है, उस हिसाब से आप अपर्चर अपना एडजस्ट कर सकते हो। तो इस सिचुएशन में आप सोच सकते हो कि हमें तो बैकग्राउंड हमेशा ब्लर चाहिए तो हम अपर्चर को काफी ज्यादा वाइड रखेंगे, पर कुछ सिचुएशन में आपको स्मॉल अपर्चर की तरफ जाना पड़ सकता है। वो सिचुएशन ऐसी होती है कि आप आउटडोर शूट कर रहे हैं और बहुत ज्यादा लाइट है, आपने ISO अपना मिनिमम पे रखा है और आपको अपनी शटर स्पीड भी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ानी क्योंकि आपको मोशन थोड़ा नॉर्मल चाहिए, आप बिल्कुल ज्यादा स्मूथ फुटेज नहीं चाहते उसमें, तो आपको अपर्चर पे जाना पड़ेगा, अपर्चर को आपको नैरो करना पड़ेगा, उसकी जो डिजिट है उसको बढ़ाना पड़ेगा ताकि आपकी फुटेज का जो एक्सपोजर है वो थोड़ा कम हो। तो उस सिचुएशन में आपको चेंज करना पड़ सकता है, इस बातों को ध्यान रखिए। ये सभी मैंने आपको बताई, अगर आप इन सभी बातों को ध्यान में रखोगे और उसके बाद फुटेज शूट करोगे तो नो डाउट आपकी जो फुटेज होगी वो काफी अच्छी होगी। एग्जाम्पल के लिए आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं, जो लास्ट वीडियो मैंने अपलोड की थी वो भी सोनी ZV-10 से शूट हुई थी और मैंने इन सभी बातों का इतना ज्यादा ध्यान नहीं रखा था तो इतनी अच्छी आउटपुट मेरे को नहीं मिली। बट इस वीडियो में मैं ट्राई कर रहा हूँ कि जो मैंने आपको बातें बताई उन सभी बातों का मैं ध्यान रखूँ, उसके बाद आप देख पाओगे कि कितनी ज्यादा डिफरेंस आया है दोनों फुटेज में। बाकी इस वीडियो में इतना ही, अगर आप चाहते हैं कि किसी टॉपिक पे हम स्पेशल वीडियो लेके आए, जैसे हमने लाइटिंग की बात करी या ISO शटर स्पीड पे या फिर सोनी ZV-10 की, और ज्यादा आपको चाहिए कि हम इसकी और ज्यादा सेटिंग्स पे बात करें तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं, तो हम जरूर ट्राई करेंगे कि जल्द से जल्द वीडियो लेके आए। बाकी तब तक आप जानते ही हो कि लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जो भी कर रहे हो काफी अच्छा कर रहे हो, करते जाइए इसी तरह। धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।